सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए नया अध्याय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संवाद लेखन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सो बच्चों, संवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम जमा वाद। इसका मतलब है आपसी बातचीत। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या परस्पर आपस में बातचीत करते हैं तो इसे संवाद कहते हैं। संवाद किसी भी रचना के प्राण होते हैं। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए हम इन बातों को जान लेते हैं। संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर एक, संवाद की भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। नंबर दो, संवाद छोटे व रोचक होने चाहिए। नंबर तीन, संवाद विषयानुरूप तथा पात्रानुकूल होना चाहिए। नंबर चार, संवाद में हास्य व्यंग के साथ साथ मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। नंबर पांच, लंबे संवादों से बचना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि संवाद की भाषा आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें होनी चाहिए, ताकि लोग उसे भली प्रकार समझ सकें। अगली बात है, संवाद छोटे व रोचक होने चाहिए। संवाद बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और रुचिकर, जो सुनने में अच्छा लगे, इस तरह का संवाद होना चाहिए। अगली बात है, संवाद विषयानुरूप तथा पात्रानुकूल होना चाहिए, यानी जो हमारा विषय है उनके अनुसार हमें पात्र का चयन करना चाहिए, हमारा संवाद उसी के अनुसार होना चाहिए। अगला है, संवाद में हंसी मजाक के पुट भी होने चाहिए, ताकि संवाद करते समय हमारा संवाद नीरस ना लगे, उसमें हम आनंद की प्राप्ति भी करें। अगला है, लंबे संवाद से बचना चाहिए। संवाद लंबे नहीं होने चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए, ताकि सुगमता से लोगों की समझ में आ सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन का एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दो मित्रों के बीच कंप्यूटर की महत्ता पर वार्तालाप हो रहा है, इसे समझना है। गौरव, हेलो नवीन, कैसे हो? पता है कल पिताजी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। नवीन, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आजकल कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। गौरव, हाँ, कंप्यूटर से श्रम व समय की बचत की जा सकती है। नवीन, तुम्हें पता है कि रेलवे टिकट आरक्षित करने के लिए जहाँ घंटों लाइन में लगना पड़ता था, आज मात्र बटन दबाने से ही आरक्षण हो जाता है। गौरव, हाँ मित्र, डाक, तार, विद्युत संस्थानों में भी इससे कार्य किया जा सकता है। बिल बनाने के अलावा वायुयान की उड़ानों पर भी नियंत्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। नवीन, मित्र, पिताजी बता रहे थे कि इसके बारे में प्रशिक्षण पाकर आज हजारों शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी मिली है। जब पहले व्यक्ति की वार्ता समाप्त होती है तो दूसरे व्यक्ति की वार्ता लिखी जाती है, इसी तरह संवाद लेखन किया जाता है। गौरव, चलो मुझे अपने घर ले चलो, दोनों मिलकर नए खेल खेलते हैं। तो बच्चों, ये था आपका संवाद लेखन, इसी तरह संवाद लेखन लिखा जाता है। धन्यवाद।